नमस्ते, आज हम बना रहे हैं पालक चाट। पालक चाट बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री लगेगी और किस तरह से ये बनाया जाता है ये हम अब देखेंगे। पालक चाट बनाने के लिए आधा कटोरी बेसन, आधा कटोरी मैदा, नमक, मिर्च, थोड़ा सा सोडा लगेगा, यहाँ शक्कर पिसी हुई थोड़ी, बारीक सेव और बारीक कटे प्याज, पालक के पत्ते लेना है हमें, यहाँ 10-15 पत्ते लिए हैं, दही फेटा हुआ और इमली की खट्टी मीठी चटनी। तलने के लिए तेल लगेगा हमें। अब हम एक बर्तन में जो हमने मैदा लिया था ये लेना है, बेसन, अब इसमें नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे, ये हम आधा चम्मच नमक डाल दे रहे हैं। सोडा हमें बिल्कुल हल्का सा लेना है, एक चुटकी। अब इसे हम पानी से अच्छे से भिगो लेंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम इसमें हमें ये भजे के घोल के जैसा ही रहने देना है, उतना ही पतला करना है, ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, जैसे आप यहाँ देख रहे हो जैसे हम भजे बनाते हैं उस तरह से होना इसका बेटर। अब इसमें हम एक एक पत्ते इस तरह से डालेंगे और इन्हें अच्छे से इस तरह से पूरा कवर करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम ये पत्ते को अच्छे से डिप कर देंगे इसमें और तल लेंगे। इसी तरह हमें सब पत्ते डिप करते जाना है इसमें और अच्छे से कवर हो ये ध्यान रखना और इसे तलते जाना है। अब हम इसे पलटा लेंगे, हल्का सा सुनहरा रंग हो गया है ऊपर के साइड ये, अब हम इसे पलट देंगे। ये दोनों साइड से अच्छे सुनहरे सा कलर हो गया है, अभी हम इसे उतार लिए हैं चाट। अब हम चाट बनाने की तैयारी करेंगे। तो ये जो दही हमने फेटा हुआ लिया था इसमें हम हल्का सा नमक डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा ही डाला है हमने, और इसमें 1/2 चम्मच पिसी हुई शक्कर हम इसमें मिलाएंगे, इसे अच्छे से और मिक्स कर लेंगे। अब हम एक प्लेट में सब में पहले पालक के जो हमने बड़े बनाए हैं ये रखेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम जो दही रेडी किए हैं ये डालेंगे। अब इस पे हम ये इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे। उसके बाद में इसमें हम ये जो बारीक कटे हुए प्याज लिए थे हमने ये डालेंगे, बारीक सेव, हल्की सी मिर्ची, मिर्च पाउडर डाल दिया है हमने यहाँ, यहाँ थोड़ा नमक, आप चाहे तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, थोड़ा हरा धनिया भी डालेंगे हम इसमें। इस तरह ये फटाफट बनने वाली पालक चाट तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।